हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईब्रोज कैसे ड्रॉ करते हैं। ये मेरी हाउ टू ड्रॉ सीरीज में सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड सेम मैंने इस वीडियो में भी किसी भी ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल नहीं किया है। और मैंने जो भी इसमें सॉफ्टनेस लाया हूँ वो मैं लाया हूँ सिर्फ पेंसिल के प्रेशर से। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। मेरा एक आर्टवर्क इलस्ट्रेशन एडोब फ्रेस्को की गैलरी पे क्यूरेटेड हुआ है। आप सब उसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, तो मैं उसे सबसे एंड में डालूँगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम जैसा कि लाइन ड्राइंग से स्टार्ट कर रहे हैं, हम आईब्रोज की एक लाइन ड्राइंग बनाएंगे, रफ लाइन ड्राइंग बनाएंगे कि आईब्रोज की शेप कैसी होती है, लुक एंड फील कैसा है। और एक बेसिकली बस ये कि रफ ड्राइंग होगी हमें एक आइडिया देने के लिए कि हमें कहाँ शेडिंग करनी है, कहाँ शेडिंग नहीं करनी। तो चलिए देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। और ये मैंने एक रेफरेंस फ़ोटो से बनाया है। वो रेफरेंस फ़ोटो मैंने एडोब या आप जैसे शटरस्टॉक होता है वहाँ से भी आप ये फ़ोटो ले सकते हैं। और देखिए, आपको बहुत ही केयरफुली ड्रॉ करना है कि आईब्रो की शेप कैसी है। तो देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ और इसे कंटिन्यू करें। और इसे जितना हो सके उतना इसे रॉ रखें। आपको एकदम इसे एजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन ड्राइंग बहुत एजी नहीं होती है। आप उसे देखिए कैसे कर्व बन रहा है, कैसे उसमें आ रही है। और जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि नेचर में कोई भी किसी भी चीज़ की लाइन नहीं होती है, वो सिर्फ लाइट और शेड से डिफ्रेंशिएट होती है। तो सेम हमारी आईब्रो भी ऐसे ही बनेंगी। तो एक बेसिकली हमारी रफ ड्राइंग बन गई है आईब्रो की। आप उसे और थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं कि आपको कैसी शेप देनी है, स्ट्रोक कैसे होंगे। और स्ट्रोक से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने स्ट्रोक बहुत ही अनइवन रखिएगा, क्योंकि हमारी आईब्रोज है और आईब्रोज में हेयर होते हैं और हेयर कोई फिक्स नहीं होते। ये कर्व भी हो सकते हैं और अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, मोटे पतले ऐसे हो सकते हैं। तो आप अपने स्ट्रोक्स का भी इसमें ध्यान रखिए। आईब्रो में स्ट्रोक का ही मेन रोल है कि आप देखिए कि स्टार्टिंग में बहुत ही पतला हो सकता है या फिर मोटा हो सकता है, वाइस वर्सा वैसे देखिए। और एंडिंग बहुत ही थिन होगी हेयर की। तो यहाँ पे मैं एक रफ ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर्स। ये मैंने कैमलिन की पेंसिल यूज़ करी है 0.9 mm की। ये शायद HB या 2B है कि हमारे इसमें हेयर का फ्लो कैसा है। तो आप देखिए कि इसमें हेयर्स का फ्लो कैसा आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अब हम इसे ड्राइंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखिए कि मैं कैसे इसे स्ट्रोक्स कर रहा हूँ। आईब्रो में बेसिकली स्ट्रोक का ही काम ज़्यादा होता है कि हेयर्स का फ्लो कैसा है, हेयर्स कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे ही आप कंटिन्यू करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई ड्राइंग बनाऊं तो आप उसे कमेंट में भी लिख सकते हैं। और आप देखिए कैसे हमारी आईब्रोज बन के आई है। इसमें हेयर्स का स्ट्रोक, हेयर्स का फ्लो कैसा है, और ये सारा स्ट्रोक से ही हुआ है। और अब तक मैंने इसमें सिर्फ कैमलिन 0.9 mm पेंसिल का ही यूज़ किया है। बहुत ही हल्के हाथ से आपको स्ट्रोक मारने हैं, मोटे पतले ऐसे आप स्ट्रोक मार सकते हैं हेयर्स के लिए।
आप देखेंगे कैसे मैं अपने स्ट्रोक्स में डिफ्रेंशिएट ला रहा हूँ, मोटे पतले स्ट्रोक्स में अब करने स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमारी डिटेल पार्ट स्टार्ट होता है, और डिटेल बेसिकली कि हेयर्स के फ्लो कैसे है, हेयर्स की लाइट डार्क शेड कैसे आ रही है। और आप देखेंगे तो ये कुछ 4 मिनट हो गए हैं, 4-5 मिनट्स, और हमारी ऑलमोस्ट से ज़्यादा ही हमारी आईब्रो स्टार्ट बन चुकी है। सो आप रियल टाइम में भी इसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आप केयरफुली देखें कि देखिए मैं एकदम रैंडम स्ट्रोक्स नहीं मार रहा हूँ, मैं अपने अपने फ़ोटो रेफरेंस या आप किसी लाइव ड्राइंग देखेंगे तो लाइव ड्राइंग में से आप देख सकते हैं कि आईब्रोज़ का फ्लो कैसा है, आईब्रोज़ कैसी जा रही है। इसके लिए आप फ़ोन या फिर कैमरे का इस्तेमाल करके आप किसी भी, या चाहे अपनी खुद की या आप अपने पेरेंट्स की, उनकी आईब्रोज़ की फ़ोटो लेके उसे आप स्टडी कर सकते हैं। एक परफेक्ट ड्राइंग से ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसे स्टडी करें, परफेक्शन टाइम के साथ आ जाती है आपके आर्टवर्क में। बहुत ही मैं और अनइवन स्ट्रोक मार रहा हूँ, उसके बाद मैंने एफ पेंसिल ली है। एफ मैंने थोड़ा हेयर्स को स्मूथ करने के लिए करा है, और मैं आसपास इसकी स्किन टोन भी बनाऊंगा बाद में, तो इसलिए मैं इसे एफ पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत ही हल्के हाथ से पेंसिल को चला रहा हूँ, इससे आपकी आई ड्राइंग या फिर कुछ भी आपकी कोई भी ड्राइंग है, जैसे आईब्रो ड्राइंग हो गई, लिप्स ड्राइंग हो गई, इससे इसको एक स्मूथनेस सी मिल जाती है और एक रॉ इफेक्ट भी आता है इससे। आप अलग अलग डायरेक्शन में मार सकते हैं स्ट्रोक्स, शेडिंग कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। देखिए मैं अलग अलग फ्लो के हिसाब से शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग एक्सरसाइज के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा बाद में, मे बी इस मंथ के एंड तक मैं बनाऊँगा कि आप कौन कौन सी शेडिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते जिससे आपके वर्क फ्लो में स्पीड बढ़े। और ये आईब्रो की ड्राइंग मैंने कुछ 16 मिनट्स में कर दी है कंप्लीट। अब तक आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो रेफर करें जो आर्ट में इंटरेस्टेड हो। सो आप देखेंगे हमारी आईब्रो एक निकल के आ गई है, उसमें लुक एंड फील आ गई है, और जो हमने स्टार्टिंग में ड्राइंग बनाई थी, उसकी एक रफ ड्राइंग बनाई थी, वो अब मर्ज होती जा रही है। अब जो भी प्ले आएगा वो सिर्फ पेंसिल के स्ट्रोक से ही आएगा जो इसको एक हेयर का लुक एंड फील देगी। नाउ हम बी पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि मैं कैसे स्ट्रोक को ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपके अब तक कोई भी कमेंट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप स्ट्रोक मारते वक्त ध्यान रखें कि उसे आप वेवी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम एज टू एज हो, कहीं वो टूटा हुआ या फिर कहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी आईब्रोज कोई परफेक्ट नहीं होती अगर आपने ब्यूटी पार्लर में उसे करवाए ना हो तो। सही, सॉरी मजाक कर रहा था। और यहाँ पे हमारी आईब्रो बनती जा रही है, और कुछ अब तक कुछ 8-9 मिनट हुए हैं वीडियो में। उसके बाद केयरफुली आप अपनी स्ट्रोक कंटिन्यू करें। छोटे छोटे स्ट्रोक भी आप कर सकते हैं। जैसे ये देखेंगे मैंने एकदम इसको अलग डायरेक्शन में करा है,
क्योंकि आपके बाल हेयर्स जो आईब्रो के हेयर होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। सो मेन पर्पस इस वीडियो का बनाने का यही है कि आप कैसे आईब्रो बना सकते हैं, वो भी बिना किसी ब्लेंडिंग टूल के इस्तेमाल करें, और स्टडी कैसे करें, मेन पार्ट है स्टडी का। मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में एक आई ड्राइंग भी बनाऊंगा, वो मैं इसी में ही कंटिन्यू करूंगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट 15th of July को मैं हाउ टू ड्रॉ नोज़ उसे मैं अपलोड करूंगा। और इस आर्टवर्क में मैंने टॉम बॉय मोनो पेंसिल का यूज़ किया है। टॉम बॉय मोनो पेंसिल के लिए मैंने एक रिव्यू भी किया है कि पेंसिल के ग्रेड कैसे है, पेंसिल चलने में कैसी है, और अब तक मेरे को पेंसिल चलने में कोई दिक्कत नहीं आई है क्योंकि बहुत सही है। बस हाँ, एक पेंसिल मेरे को बहुत बुरा लगा कि हमें कुछ जैसे 700 रुपीज़ की 12 पेंसिल मिली थी और उसमें से 6B पेंसिल कम से कम मैंने 4-5 बार उसे शार्प करा तब जाके वो सही हुई, वरना उसकी जब भी मैं शार्प करता था उसकी लेड टूट रही थी। मे भी हो सकता है कि वो डिफ़ॉल्टी पीस हो, लेकिन स्टिल एक दुख तो होता ही है कि आपकी पेंसिल टूट रही है। सो आप भी उसे ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो उसे देखिएगा आप। और मैंने जो रिव्यू किया है मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और यहाँ पे हमारी आईब्रो ऑलमोस्ट हो गई है। नाउ मैं डार्कर ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इरेजर का यूज किया है हाईलाइट देने के लिए। ये मैंने अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग हाईलाइट किया था, तो आप जो रेफरेंस यूज कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट करें। और अगर आप इसी को ही आगे ड्रॉ करेंगे एज अ स्टडी, तो आप ध्यान रखें कि मैं कैसे हाईलाइट कर रहा हूं। यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का इस्तेमाल किया है थोड़े और डार्कर हेयर्स के लिए, जो डीप एरिया होता है आईब्रोज का। और यहाँ पे हमारी रफ ड्राइंग बिल्कुल मर्ज हो चुकी है और हमारी आईब्रोज भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, क्योंकि 13 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसके बाद कुछ सिर्फ 5 मिनट्स का काम और है इसमें। सो आप देख सकते हैं कि 17 मिनट्स में कितनी जल्दी एक कंप्लीट आईब्रो रेडी हुई है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। सॉरी, नाउ मैंने 3B पेंसिल का यूज़ किया है स्ट्रोक्स के लिए। मैं इसको कई कई जगह पे डाल रहा हूँ, आप देखिए मैं कैसे कैसे अलग अलग बहुत ही छोटे छोटे से स्ट्रोक मार रहा हूँ इस वीडियो में हमारी आईब्रो में। और हाँ दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक डिसाइड किया था अपने चैनल के लिए कि मैं एक मंथ फिज़िकल ड्राइंग, जैसे हमारी पेंसिल हो गई, वाटर कलर हो गए, एक्रेलिक कलर हो गए, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। और एक मंथ मैं टोटली डिजिटल आर्ट वर्क बनाऊंगा। सो बेसिकली 6 मंथ हमारे पेंसिल, वाटर कलर, एक्रेलिक के लिए होंगे और 6 मंथ डिजिटल आर्ट के लिए होंगे, क्योंकि मैं डिजिटल आर्ट सीख रहा हूँ, तो मैं अपने चाहता हूँ कि मैं उसे और भी अपने चैनल पर अपलोड करूँ।
और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12 को रथ यात्रा स्टार्ट हो रही है, तो मैं रथ यात्रा स्पेशल के लिए भी एक आर्टवर्क बना रहा हूँ। वो क्या आर्टवर्क है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप उसे हमारी 12 जुलाई को आ रही है जो वीडियो, उसे ज़रूर देखिएगा। और उसमें मैं आपको रथ यात्रा क्यों होती है उसकी एक स्टोरी भी बताऊंगा। सो गाइस, नाउ हमारी आईब्रो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें मैं सिर्फ से स्मूथ कर रहा हूँ, इसमें मैं एच पेंसिल इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि मैं कैसे कैसे स्ट्रोक मार रहा हूँ, कैसे शेड कर रहा हूँ हमारी आसपास की जो आईब्रो की स्किन होती है उसके लिए। सो गाइस, ये ऑलमोस्ट अब रेडी ही हो गई है। ये 16 मिनट्स हो चुके हैं और 15 मिनट सिर्फ आईब्रो के लिए। तो आप देखेंगे कैसे कैसे मैं स्ट्रोक मार रहा हूँ, कैसे मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात आप अपने कहना चाहते हैं, कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो गाइस, थैंक यू आपने यहाँ तक वीडियो देखी, और अब इसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप इसे एंजॉय करें। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है, सजेशन है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं हाउ टू ड्रॉ सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं नोज़ कैसे ड्रॉ करता हूं। सेम मैं उसमें भी किसी ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और उसमें जो भी स्मूदनेस लाऊंगा वो मैं सिर्फ पेंसिल से ही लाऊंगा। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को और भी अदर आर्ट वीडियोस को देखें। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट आर्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक स्पेशल आर्ट वर्क भी आने जा रहा है, तो मेरे चैनल पे बने रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।